पिता परमेश्वर की असीम कृपा से श्री शिव दत्त जी शर्मा दादी एवं उनके परिवार और इस मित्रों के सहयोग से आज हम रामचरितमानस की कथा के तीसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज श्री के अभिनंदन के लिए निमंत्रण दे रहा हूं श्री मुरारीलाल जी अग्रवाल सक्करगढ़ वाले। श्री कम जब महाराज जी का माल्यार्पण हो तो आप उस करताली का उपयोग करते रहें। आशुतोष जी शर्मा, योगेश जी, नाथुलाल जी दाधीच, सनत कुमार जी शर्मा, विजयलाल जी वर्मा, ओम जी फूलिया, महावीर जी शर्मा और महेंद्र कुमार जी जोशी, देखो संशय नहीं रह जाए आपकी करताली में। संत महात्माओं को माल्यार्पण कराएं श्री शिव दत्त जी। अलग बात है लेकिन भगवान के वक्षस्थल पर मन सुखा विराज जाए ये एक और अलग बात है। ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अस प्रभु हृदय अच्छत अविकारी। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जननी जनक संत बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध वर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोही हृदय बसई धन जैसे, ओ तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, और धरो देह जनि आनुनि हो, मंगल करनी कलि मल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। वह जब मंगलमय कथा सरिता कल के प्रसंग में जनकपुरी की डगरिया और प्रेम की नगरिया के तट को जब केवल मात्र छुआ तो वह सारी नदी प्रेम के समुद्र में डूब गई। आप सबको लगा होगा, मुझे तो लगा है। उससे निकलने के लिए बहुत प्रयास हुआ
लेकिन जब भक्तों के चरित्र में अवगान हुआ तो उस प्रेम सागर से निकलने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ उसका। श्री राम 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 श्री सीताराम राम वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कईशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम हंतुं प्रताप मनसं मुनि हंस सेव्यम सन्मान साली परिपीत पराग पुंजम कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ किंत कस्य मन भ्रंग संगिनौ यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकम् गंगातरंग रमणीय जटा गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज मदन यमन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश गोदायक फल तुलसी बारंबार मनाए गुनगावो श्री राम के हनुमत हो लेख सदा सुधी दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश प्रभु श्री सीताराम श्री सीताराम जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय।
श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती तते हर हर महादेव। भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धे संतजन वंदनीय विद्वज्जन भगवत चरण कमलानुरागी बंधु श्रद्धामयी माताओं, संगीत के द्वारा भगवान की कथा में मधुरता की सृष्टि करने वाले कलाकार बंधुजन और इस कथा के आयोजक श्री शिवदत्त जी शर्मा और उनका परिवार प्रेमीजन, आप सबके प्रति मैं भगवत भाव से सादर प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा से कथा का शुभारंभ हो, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन उसी चिर पर चिर ध्वनि में। हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, शिवा कर
क्या कहे अनारी मोद लता इसमें क्या टोना है, क्या कहे अनारी मोद लता इसमें क्या टोना है, हम क्या बतलाएं प्रेमी जन इससे क्या होना है, हम क्या बतलाएं प्रेमी जन इससे क्या होना है, जब करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूरन काम, जब करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूरन काम, हरे रामा रामा हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम हरे रामा रामा राम सीताराम राम हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम रामा रामा राम सीताराम राम राम रामा रामा राम सीताराम राम राम रामा रामा राम हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम करुणा करी के तरनी तन की रुजबारिध में प्रभु बोरियो ना, मन को प्रतिकूल परिस्थिति के मित दे झटका झट भोरियो ना, अपनों जन जान के राजस को दुख में मुख मोरियो ना, तुम्हारे बल को अभिमान हमें हनुमान गुमान जो तोरियो ना, रोगी तन मैली मति चित्त की विचित्र गति, मन में न भाव राम भक्ति के प्रधान, साधन अनेक किंचु मोते नहीं एक बने, मुक्ति प्रदायक जो विमल विधान है, तब हूँ राजेश नहीं मानत ये मैं हार, एक अवलंब संत करत बखान है, प्रभु है कृपाल अरु ममता मई है मात, सब भांति हारे के सहारे हनुमान। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। करता
कथा सुंदर करतालिका के तुल्य है, जो संशय के पक्षी को उड़ा देती है। हमारा शरीर ही वृक्ष है और शरीर रूपी वृक्ष की शाखा मन है, तो तन के वृक्ष के मन रूपी डाली पर बैठा हुआ संशय का पक्षी बार बार आके बैठ जाता है। ताली बजा दो तो उड़ जाता है, फिर आ जाता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं इसे उड़ाते ही रहो, उड़ेगा कैसे? एक ओर विश्वास से भरा हुआ वक्ता और श्रद्धा से भरा हुआ श्रोता, और श्रोता का प्रश्न वक्ता का उत्तर, ये दोनों जब मिलते हैं ताली की तरह तो आवाज करते हैं, इसी से संशय का पक्षी उड़ जाता है। भगवान शिव ने बताया राम जी के जन्म के अनेक कारण। तीन प्रसंगों की मुख्य रूप से चर्चा की, एक देवर्षि नारद की चर्चा पार्वती जी के पूछने पर, नारद जी के प्रसंग में भगवत कृपा की महिमा है। कर्म से ऊपर भगवान है, इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। शास्त्र कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, किए हुए कर्म का फल अवश्य 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 भोगना पड़ता है।
एक आदमी रास्ते से जा रहा था, रास्ते के किनारे आम का पेड़ देखा, सुस्वादु फल लगे थे, आंख ने देखा फल, देखा आंख ने, गए पांव फल तोड़ा, हाथ ने चखा, रसना ने रखा पेट ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, जिसने फल तोड़ा उसने चखा नहीं, और जिसने चखा उसने रखा नहीं, है ना। देखा आंख ने, गए पांव फल तोड़ा, हाथ ने चखा, रसना ने रखा पेट ने। इतने में बगीचे का माली आया, चोरी से फल खाते हुए देखे, तभी पांव डंडा लेकर आया और दो चार डंडे पीठ में जमा दिए। बताओ पीठ की क्या गलती थी बेचारी, न लेने में न देने में। किसी का कर्म कोई पिटे और करे अपराध को, और पाव फल भोगा ति विचित्र भगवंत गति खोजग जाने जो। पर उन महात्मा ने कहा, इस कहानी में ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। कैसे का, जब डंडे की चोट पीठ में लगी, दर्द हुआ तो रोया कौन, आंसू कहां से निकले, आंख से। और सबसे पहले फल देखा किसने था, आंख ने। तो चाहे जितने चक्कर के बाद मिले फल, उसी को मिलेगा जिसका कर्म है। हजार गौएं खड़ी हों, आप उन हजार गौओं में अपनी गौ माता को नहीं पहचान पा रहे हैं, पर उनके बछड़ों को छोड़ दो तो अपनी अपनी माता के पास जाकर वे पैपान करने लगते हैं। हजार गौओं में भी बछड़ा अपनी मां को पहचानता है, जैसे इसी तरह प्रारब्ध अपने अपने भोक्ता को पहचानता है। नारद जी स्वयं कहते हैं, कहे मुनि से हिमवंत सुन जो विधि लिखा, लीलार देव धनुज नर नाग खग को न मैटन हार। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मिट सकता है, कर्म प्रधान विश्व रचिरा खा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा खा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, पदपि करई सम विषम बिहारा, पदपि करई सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। कर्म का सिद्धांत अपनी जगह सत्य है, लेकिन भगवान कर्म से ऊपर है। आप ऐसे सोचो, कोई मुकदमा चल रहा हो किसी का, कोर्ट में हार जाए तो हाई कोर्ट में चला जाता है, और हाई कोर्ट में भी हार जाए तो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, और जब सुप्रीम कोर्ट में हार जाए तो अब तो कोई कोर्ट बचा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो मान्य करना ही होगा अवश्यमेव। लेकिन हमारे यहां एक व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसे मृत्युदंड दिया हो वो राष्ट्रपति के सामने अपनी गुहार लगा सकता है, प्राणदान की भिक्षा मांगता है, और राष्ट्रपति चाहे तो उसे मृत्यु से मुक्त कर सकता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर है राष्ट्रपति। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म कितना भी गहन क्यों ना हो, पर कर्म से ऊपर राष्ट्रपति की तरह भगवान है, परमात्मा है। इसीलिए मुझे लगता है कि नवग्रह हैं, श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु बरदायक तेरो, राव केतु की नाही गम्यता, संग शनिश्चर हो तो सवेरो। पूरे नौ हैं, और इन नवग्रहों से ऊपर एक ग्रह है भगवान का अनुग्रह। अरे भगवान का अनुग्रह हो तो क्या करें नवग्रह, जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगार करे नर तेरो। नारद जी का प्रसंग इसीलिए लिखा,
नारद जी को श्राप लगा दक्ष का। महाराज दक्ष के बेटे तपस्या करने जाते, लौट कर आते, रास्ते में मिलते नारद जी। और नारद जी ऐसा समझाते कि फिर साधु बन जाते हो। दक्ष ने श्राप दे दिया कि आप ज्यादा देर नहीं ठहर सकते हैं, दो घड़ी से ज्यादा नहीं ठहरेंगे। नारद जी ने भी सोचा, खुश हुए श्राप से कि एक जगह ज्यादा नहीं ठहरेंगे, ज्यादा जगह जाएंगे। अभी दो चार को समझाते थे, अब 200-400 को समझाएंगे। लेकिन ये कथाएं देखो कितनी अद्भुत है। गृहस्थ का श्राप साधु को लग गया, तो क्या वो गलत काम कर रहे थे? साधु ही तो बना रहे थे। लेकिन इस गंभीरता से इस प्रश्न को आप सुने। नारद जी सोचते थे सब साधु हो जाएं, और साधु सोचते आज भी सोचते सब साधु हो जाएं। क्यों भाई? लेकिन हम आपसे एक बात पूछते हैं, आप ये बताओ अगर सब साधु हो जाएंगे तो साधु बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं? बोलो, सब साधु हो जाएं तो साधु बनने बंद? गृहस्थ न होंगे तो संत का जन्म किसके यहां होगा? अरे जाने दो, गृहस्थ न होते तो महात्मा की कौन कहे, परमात्मा का अवतार कहां होता? इसलिए कहा धन्यो गृहस्थ आश्रम। श्राप लग गया। अब नारद जी करना चाहते भगवान का भजन, क्यों? देख लिया वन को, पहाड़ को, गंगा जी को, हिमालय को। शहर में रहकर भगवान याद नहीं आते। अच्छा मान लो हम लोग शहर में घूमने जाएं, अरे भाई बहुत बढ़िया फैक्ट्री लगी है, किसकी है? आप क्या? गुप्ता जी की। और ये मिल अग्रवाल जी का, ये मकान शर्मा जी का, यही कहोगे कि नहीं? तो पूरे शहर में किसी न किसी व्यक्ति का है। लेकिन जब जंगल में जाओगे कोई पूछे ये नदी किसकी, पहाड़ किसका, सूरज किसका, वृक्ष किसके, भगवान के हैं कि नहीं? तो वन में भगवान की याद आती है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, हम उसी ईश्वर के गुण गाएं, उसी प्रेम से शीश झुकाएं, तो वन में भगवान की याद आती है कि नहीं? और नारद जी ने गंगा जी को देखा, और गंगा जी का संबंध भगवान के चरणों से जुड़ा है। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, धीरे 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 धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा हरिद्वार में हरि हरिद्वार में से माता हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर दूर धीरे, पहाड़ों से आई उतर दूर धीरे, चरणों से। तो भगवान के चरणों का चिंतन हुआ, मन लगा भजन में, पर श्राप लगा है पीछे।
अब बोलो कर्म रुकने नहीं दे रहा, या यूं कहो भाग्य रुकने नहीं दे रहा, भाव रुकना चाहता है। भाग्य भाव का ही द्वंद है हमारे आपके जीवन में। नाथ यह है कैसा अन्याय किया इस भांति हमें निरुपाय, छोड़ते बने न जग का मोह, बिसर पाता न तुम्हारा छोह, नदी सा दो कूलों के मध्य बह रहा है जीवन आराध्य, कभी क्या कृपा दृष्टि से हेर, नाम मेरा मुरली में ठेर, खींच लोगे प्रियतम उस पार, बसा ले वहीं नया संसार, जहां हो शेष न जग का राग, तुम्हारे संग मिल खेलूं भाग, तुम्हीं में हे मेरे सर्वस्व, हो सके लय मेरा वर्चस्व, तुम्हीं में मेरा मैं खो जाए, तुम्हारा ही सब कुछ हो जाए। ये भाग्य भाव का द्वंद है। जय हो। भाग्य भोग से जोड़ता है और भाव भगवान से जोड़ता है, लेकिन भाग्य ऐसा बलवान खींच लेता है। ग्राह खींच रहा है गजराज को जल में, मगर इतना ताकतवर कि गजराज छूट नहीं पा रहे, और हमें तो लगता है ये मगर हमेशा ही से पांव पकड़े हैं, आज भी पकड़े हैं। किसी से भी कहो कि भगवान की कथा हो रही है, बहुत सुंदर कथा हो रही, चलो चलो कथा सुनने चलो, आप गए नहीं, क्या कहते, अरे हम तो पहले ही पहुंच जाते, मगर पकड़े हैं पांव मगर की नहीं, हम तो पहले ही पहुंचते मगर हम जा ही नहीं, चले जाते मगर, तो कल तो आओ गए, अरे क्या बताएं बाहर जाना है, मगर ये मगर पांव पकड़े हैं कि नहीं, यही भाग्य है। और इस मगर से भगवान के अलावा कोई नहीं छुड़ा सकता। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, हे कौशला सुत यशोदा नंदन, दुख अधम बिंदु के निकंदन, छुड़ा दो मेरे भी जग के बंधन, हे गज के फंदे छुड़ाने वाले। भगवान से कहो इस भाग्य से बचा लो। मेरी भी टेर सुन लो धन के धरैया, मेरी भी टेर सुन लो धनवान के धरैया, फिर भार मेरा हर लो भूभार के हरैया, फिर भार मेरा हर लो भूभार के हरैया, मेरी भी टेर सुन लो धनवान के धरैया, तूफान उठ रहे प्रतिकूलता के साथी, आके संभालो राघव मझधार में है नैया, आके संभालो राघव मझधार में है नैया, जिसका नहीं हो कोई जो पड़ गया अकेला, जिसका नहीं हो कोई जो पड़ गया अकेला, उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया, उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया, राजेश का तो संबल श्री राम बस यही है, राजेश का तो संबल यही है, राजेश का तो संबल श्री राम बस यही है, राजेश का तो संबल जसराम है, राजेश का तो संबल श्री राम बस यही है, राजेश का तो संबल श्री राम बस यही है, रघुवर पिता है मेरे श्री जानकी मैया, 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 मेरी भी तेरे सुन लो हनुमान के धरैया, मेरी भी तेरे सुन लो हनुमान के धरैया। भगवान से प्रार्थना करें, भगवान भाग्य के भोग से बचा सकते हैं अगर चाहें। नारद जी ने भी प्रार्थना की किस भोग से बचाओ महाराज। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जब जानक नाथ ताहा,
सिद्धांत लागू नहीं होता। तदपि करें सम विषम बिहारा भगत अभगत हृदय अनुसारा। यहां केवल समर्पण है। नारद जी के प्रसंग सुमिरत हरि शाप गति बाधि, भगवान का स्मरण करते ही शाप की गति अवरुद्ध हो गई। सीमिखी चाप सकई को तासु बल रखवार रमापति जासु। इस प्रसंग में भगवत सत्ता की महिमा, भगवान की कृपा की महिमा, और महाराज मनुष्य रूप का प्रसंग है, उसमें साधना की महिमा। समर्पण साधना। महाराज मनु को लगता है चौथापन आ गया, वैराग्य नहीं हुआ होता विषयों से, हो ये न विषय विराग। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं बद्धो ही को यो विषयानुरागी, बंधा हुआ कौन है जो विषयों का अनुरागी है। और एक दो दिन की बात नहीं, भवन बसत भा चौथपन, चौथापन आ गया, वैराग्य नहीं है। विराजे महाराज, वाह जय जय विराजे विराजे विराजे, वाह। हमारे पूज्य संत श्रद्धे श्री माया राम जी महाराज विराजमान हुए हैं, वंदन अभिनंदन। महाराज मनु को चौथे पन तक विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, और हम लोग सोचते हैं
कि दो चार दिन में ही हो जाएगा, किताबें पढ़ने से हो जाएगा, ध्यान लगाने से हो जाएगा। इन सबसे होता है, साधनों का विरोध नहीं है, लेकिन प्रश्न है कि साधन आप कहां कर रहे हैं। डायबिटीज हो, मिठाई की दुकान में सो, कितनी रोको मन को, अरे एक लड्डू खा लें, एक में क्या बिगड़ता, आज ही तो खा ले, कल से नहीं खाएंगे, क्योंकि मिठाई रखी है, अब क्या करें। तो डायबिटीज का रोग अगर दूर करना है तो मिठाई से दूर रहना पड़ेगा। क्यों भाई, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। एक महात्मा ने हमें मिठाई का डिब्बा दिया, ऊपर लिख दिया कि ये इससे बांटने का काम करना, तो भी हमें लगा कि थोड़े में क्या बिगड़ता है, लगता ही है। इसी तरह जिनको वैराग्य नहीं हो रहा है, राग है, और जिन जिन में राग है और वैराग्य नहीं हो रहा है उन्हें त्याग करना चाहिए। मिठाई की दुकान से अलग रखो डायबिटीज वाले को, त्याग कराओ। त्याग किया जाता है वैराग्य हो जाता है, तन से अलग हो जाना त्याग है और मन से असंग हो जाना वैराग्य है। अच्छा, एक बार वैराग्य हो जाए फिर त्याग की भी जरूरत नहीं है। महाराज जनक को वन में नहीं जाना पड़ा तपस्या करने, क्यों? सहज विराग रूप मन मोरा, उनको सहज वैराग्य की प्राप्ति थी। महाराज मनु को जाना पड़ा, त्याग करना पड़ा, क्योंकि वैराग्य नहीं था। तो महाराज मनु ने क्या किया, देखो त्याग वैराग्य की बात बताएं। एक आदमी रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, उसका रिजर्वेशन था, गाड़ी आने वाली थी, गाड़ी रुकी, वो चढ़ा, बड़े संपन्न सेठ जी थे, लोगों ने सामान चढ़ाया, सीट पर बैठे, लेकिन उन्होंने देखा कि पहले से ही उस फर्स्ट क्लास की एक सीट पर एक महात्मा बैठे, ऐसा कपड़ा, सेठ जी का सामान रखा, उनका भी रखा सामान, ऊपर बैठे, उनको देखकर सेठ जी क्या बोले, हम लोगों को तो आदत ही होती है, महात्मा अपनी मस्ती में बैठे। सेठ जी बोले, कलयुग आ गया, आ गया, ये साधु फर्स्ट क्लास में बैठे, इतना सामान रखे। वो जितनी निंदा कर सकते थे संत की। महात्मा बड़े गंभीर थे, मुस्कुराते रहे, शांत। अंत में महात्मा जी ने कहा, बोल चुके, हां आज मेरी आंखें खोल दी आपने। सेठ जी बोले, सत्संग से तो आंखें खुलती हैं, चलो मैं आपकी बात मानूंगा। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए कि महात्मा को प्रभावित कर दिया हमने, मित्रता हो गई। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी, महात्मा जी नीचे जाने लगे, सेठ जी से आओ, गाड़ी अभी कौन सी जा रही है, खड़ी हुई है अभी तो। सेठ जी बोले, सामान रखा, महात्मा बोले हमारा भी रखा है, चलो। नीचे गए, पानी पिया, बेंच थी उस पर बैठ गए। महात्मा जी ने सेठ जी का हाथ पकड़ लिया और सत्संग की बात शुरू की, ज्ञान की बात, वैराग्य की बात। अब गाड़ी चलने को ही सीटी बजी, गाड़ी जो चल रही, गाड़ी जा रही। महात्मा बोले, जाने दो, गाड़ियां तो आती जाती रहती हैं, क्या है, चली जाएगी। अरे महाराज हमारा सामान चला जाएगा। महात्मा बोले, हमारा भी उतना ही रखा है सामान, ध्यान देना। हम में तुम में अंतर क्या, केवल कपड़े का अंतर, यही तो आप कह रहे थे।
कपड़ा हम पहना देंगे आपको, बस आराम करो, बढ़िया जान दे। सेठ जी बोले हमारा हाथ थोड़ा, महात्मा बोले अब नहीं छोड़ेंगे हम, दोनों बैरागी बने। अरे महाराज छोड़ दो। महात्मा ने कहा तो अंतर बताओ। कहने लगा महाराज अंतर हम समझ गए। क्या समझे? कहा हम में आप में एक ही अंतर है। क्या? आप एक क्षण में छोड़ सकते हैं और हम जिंदगी में नहीं छोड़ सकते हैं, यही अंतर है।